गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लिपस्ट्रिंग के बारे में। फ्लिपस्ट्रिंग जो एक प्रणाली होती है, या एक व्यवस्था बोल लीजिए आप लोग, एक व्यवस्था होती है, वो क्या होती है, ठीक है, कहाँ ये व्यवस्था काम करती है और कैसे काम करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लिपस्ट्रिंग एक व्यवस्था है जो कहाँ काम करती है, अमेरिका की जो संसद है, अमेरिका की जो संसद है उसे क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं, जिसके दो सदन होते हैं, एक तो होता है सीनेट और दूसरा होता है प्रतिनिधि सभा। अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ की जो संसद होते हैं उसे संसद ही बोलते हैं, उसके दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार अमेरिका की जो संसद होती है उसे कांग्रेस बोलते हैं और उसके भी दो सदन होते हैं, पहला होता है सीनेट और दूसरा होता है प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट, ठीक है। तो जो फ्लिपस्ट्रिंग जो प्रणाली है वो कहाँ काम करती है, सीनेट में काम करती है, सीनेट जो उसका एक सदन होता है वहाँ काम करती है। अब ये प्रणाली होती क्या है, हर व्यवस्थापिका में एक संसद, व्यवस्थापिका जो होती है संसद, उसके सदस्यों को किसी भी जो बहुमत वो विधेयक होता है, कोई भी विधेयक अगर पारित होता है या कोई भी कानून बनता है या किसी भी विषय पर अगर चर्चा होती है, उस विषय पर चर्चा करने के लिए या बोलने के लिए प्रत्येक सदस्य को कुछ लिमिटेड टाइम दिया जाता है, कुछ निश्चित समय के दिया जाता है, ताकि बाकी सभी सदस्यों को बोलने का बिल्कुल सही सही टाइम मिल जाए, मतलब सबको बोलने का मौका मिले और सबको बोलने का मतलब कि एक निश्चित समय मिल जाए, ठीक है। इसीलिए सभी सदस्यों को एक निश्चित समय ही दिया जाता है कि आप इतने समय तक आपको बोलने की अनुमति है, ऐसा सभी जितनी भी संसद है, जितने भी देश की अलग अलग संसद है, सभी में ये प्रणाली है। लेकिन जो अमेरिका की संसद है और उसका जो सदन है सीनेट, वहाँ पे फ्लिपस्ट्रिंग प्रणाली काम करती है। इसको किसने इसका मतलब एक तरीके से जनक बोल सकते हैं कि इसके जनक कौन थे, फ्लिपस्टर थे, फ्लिपस्टर नाम था उनका, इसीलिए इस प्रणाली को फ्लिपस्ट्रिंग प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। अब ये होती क्या है, इसमें क्या होता है, जो सीनेट के जो सदस्य होते हैं उनको बोलने का जो टाइम दिया रहता है वो अनलिमिटेड होता है, मतलब उनके पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी विषय पर कितने भी समय तक बोल सकते हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगा सकता। और ऐसा भी होता है कि वो बोलते बोलते जाते हैं, एक सदस्य ने बोलना खत्म किया, तुरंत दूसरा सदस्य बोलना चालू कर देता है, जिसे फ्लिपस्ट्रिंग रिले बोलते हैं, मतलब एक सदस्य के तुरंत बाद ही दूसरा सदस्य उस जो वो विषय होता है उस पर उससे आगे उस पर बोलना चालू कर देता है। तो ये क्या होता है, ये अनिश्चित समय तक कभी भी बोल सकते हैं, और इसका प्रयोग वो कब करते हैं, जब उन्हें कोई भी जो विषय हो वो उस पर उन्हें या तो वो उसे निर्णय तक ना पहुंचने देना चाहते हो या वो उसके खिलाफ हो, वो उस विधेयक को कानून नहीं बनना देना चाहते हो या उस विधेयक को पारित नहीं होने देना चाहते हो, वो तब इस तरीके का अपना ये शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसे फ्लिपस्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग कभी कभी वो अपने फायदे या नकारात्मक रूप से भी कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि जो दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप या बाहरी जो ग्रुप्स होते हैं, जो नहीं चाहते कि ये विधेयक या कानून पारित हो जाए या इस विषय पे कोई ठीक से चर्चा हो, इसलिए वो क्या करते हैं, उनके साथ समझौता करके उस विधेयक को या उस विषय पे क्या करते रहते हैं, कंटिन्यू बोलते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जब तक वो बोलते रहते हैं तब तक उस पर कोई भी मतदान नहीं हो सकता, जब तक सदस्य बोलना बंद ना करें तब तक मतदान नहीं हो सकता कि वो विधेयक पारित होना है या नहीं होना है, या कोई भी निर्णय लिया जाना है या नहीं, या उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो रिजल्ट तो तभी निकलेगा जब मतदान होगा, और मतदान जब होगा जब सदस्य बोलना बंद करेंगे, तो एक के बाद एक सदस्य बोलना चालू कर देता है। तो ये जो फ्लिपस्ट्रिंग की ये जो प्रणाली है वो एक तरीके से नकारात्मक रूप में भी है, क्योंकि वो सीनेट के जो सदस्य इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, कभी कभी अपने फायदे के लिए करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरों की एक तरीके से हानि के लिए भी करते हैं, क्योंकि अगर मतदान नहीं होगा तो उस पर क्या नहीं होता है, निर्णय नहीं होता है। लेकिन इसको रोकने का एक तरीका है कि जब जो सदस्य हैं पूरे संसद के वो दो तिहाई बहुमत, दो तिहाई
जब ये पारित कर देंगे फ्लिस्टरिंग को रोक देना चाहिए, तब जाके उसे रोका जा सकता है, मतलब कि तब जाके मतदान के बाद वो सदस्य बोलना बंद कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो तिहाई बहुमत है ये बहुत ही कठिन होता है, किसी भी सदन में दो तिहाई बहुमत का पारित होना, कोई भी विषय पे दो तिहाई बहुमत लाना बहुत ही कठिन है। और ये जो सीनेट की जो शक्ति है, ये सीनेट के सदस्य नहीं चाहते कि उनसे छिन जाए या उस पर कोई भी नियंत्रण लगाया जाए, इसलिए वो उसके पक्ष में ही नहीं है कि इसे बंद किया जाए या उस पर कुछ रोक लगाई जाए। तो इसको इसीलिए जो सीनेट है वो बाकी जितने भी देश हैं, जितने भी देशों की जो संसद है उसमें जो सबसे प्रभावशाली जो सबसे शक्तिशाली जो संसद या सदन बोल लीजिए, वो सदन कौन सा है? सीनेट है। आपके एग्जाम में हमेशा या लगातार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि जो सीनेट है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन है, या सीनेट जो है उसकी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा हैं। अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के आपसे सीनेट के बारे में क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। तो क्योंकि सीनेट जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन है, जितनी शक्तियाँ सीनेट के पास है वो उतनी शक्तियाँ जितनी भी संसद है दुनिया में उसके किसी भी सदन के पास नहीं है। ठीक है, तो यही थी इसकी